कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन की रिहाई थोड़ी देर में होने वाली है। आर्यन की रिहाई को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। शाहरुख खान के घर उस पल का इंतजार है जब जेल से रिहा होकर उनका बेटा आर्यन घर वापस आएगा। कहते हैं खुशियां लंबा इंतजार करवाती हैं, वही इंतजार आज ये मन्नत कर रहा है आर्यन की जेल से रिहाई का, शाहरुख खान के बेटे के घर आने का। लेकिन कल ये इंतजार अब एक दिन के लिए और बढ़ गया। आर्यन खान की एक और रात आर्थर रोड जेल में कटी। कल मन्नत पूरी तरह से तैयार था। 28 अक्टूबर को आर्यन की जमानत की खबरों के बाद जहां मन्नत के बाहर पटाखों का शोर सुनाई दिया, तो वहीं कल मन्नत को रोशनी से गुलजार करने की तैयारी थी। आर्यन के स्वागत के लिए घर में फूलों की खेप पहुंची थी, बाहर फैंस का जमावड़ा था। हर किसी को बस उस पल का इंतजार था जब शाहरुख खान अपने बेटे को लेकर वापस जन्नत पहुंचे। काफ़ी सारे फैंस यहां पर जमा हो चुके थे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी और यहां पर पूरी तरीके से ये रोड पर ट्रैफिक जाम भी हो चुका था। लेकिन फिर मुंबई पुलिस को बुलाया गया, मुंबई पुलिस की लोकल और पुलिस और ट्रैफिक पुलिस यहां पर आ गई और ये एक उम्मीद लगाई जा रही थी चित्रा कहीं ना कहीं कि आज देर शाम भी हो या 7 बजे तक भी हो तो आर्यन खान छूट के आ जाए। तो पूरी तैयारियां की थी, लाइटें लगाई गई थी, हमने बहुत सारे स्टाफ देखे, गुलदस्ते मन्नत के अंदर जा रहे थे। लेकिन बहरहाल कि आज वो आर्यन खान मन्नत नहीं लौटेंगे, लेकिन अभी भी हमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अंदर बहुत जबरदस्त तैयारियां की जा रही है। परिवार के लिए एक एक दिन भारी है, एक एक पल भारी है। 28 दिन हो गए मां गौरी खान को आर्यन से मिले हुए, 22 दिन हो गए आर्यन को आर्थर रोड जेल में जमानत मिली, लेकिन रिहाई का इंतजार 2 दिन के लिए बढ़ गया। कल दोपहर करीब 3:15 बजे बेल के ऑर्डर जारी हुए तो करीब 3:30 बजे मन्नत से गाड़ियों का काफिला निकला। बताया गया इस गाड़ी में शाहरुख खान सवार थे जो अपने बेटे को लेने के लिए निकले थे। दूसरी ओर आर्यन की रिहाई की कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई। शाहरुख खान की करीबी दोस्त जूही चावला आर्यन केस में जमानती बनी, जो कल आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे के साथ NDPS कोर्ट पहुंची, जहां जूही चावला ने अपने पहचान से जुड़े कागजात दिखाए, वहीं जमानती पेपर पर साइन किए। अच्छा, बस आर्यन घर आ जाएगा इसकी खुशी है एंड आई थिंक इट्स अ बिग रिलीफ फॉर एवरीबॉडी। नहीं, वो सब रहने दीजिए, बट द मेन थिंग इज बस अब बच्चा घर आ जाएगा। वक्त रेत की तरह फिसल रहा था। आर्थर रोड जेल का ये बॉक्स उस कॉपी का इंतजार कर रहा था जो आर्यन को जेल से बाहर लाने के लिए चाहिए था। आर्यन की रिहाई के लिए आर्थर रोड जेल तक कागज करीब 5:30 बजे तक पहुंचने थे। सतीश मान शिंदे सेशन कोर्ट से आर्थर रोड जेल के लिए रवाना हुए, लेकिन रिहाई के कागज वक्त पर आर्थर रोड जेल नहीं पहुंच सके, लिहाजा आर्यन खान को एक दिन और आर्थर रोड जेल में बिताना पड़ गया। परिवार का एक दिन का इंतजार और बढ़ गया। मन्नत को उम्मीद है कि ये मुश्किलों की आखिरी रात थी। आज का दिन परिवार के लिए खुशियां लेकर आएगा। उम्मीद की जा रही है कि आज आर्यन खान का मन्नत में ही बीतेगा। मुंबई से अरविंद ओझा, विद्या और उमेश शुक्ला के साथ आज तक।